Assalamu alaikum dear students, welcome again. In this video we are going to learn the third news item, that is C, most dangerous time in history, given on page number 71 of your My English Book 7. It is headed as most dangerous time in history. London. The famous physics professor Stephen Hawking has warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today. ये खबर लंदन से आई है जिसमें डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो फिजिक्स के मशहूर प्रोफेसर रह चुके हैं, ये खबर जब लिखी गई वो आयात थे 14 मार्च 2018 को, उनकी डेथ हो चुकी है. उन्होंने उनकी कही भी बात जिसकी कुछ अहम बातें एक न्यूज़ के तौर पे खबर अखबार में शाये हुई, उन्होंने कहा कि आज दुनिया मैनकाइंड मीन्स ह्यूमन रेस, नस्ल इंसानी, अपने सबसे खतरनाक तरीन दौर से गुजर रही है, उसका सामना कर रही है. ही सेड दैट द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिजीजेस. उन्होंने कहा कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड यानी हमारी जमीन बहुत खतरनाक तरीन चैलेंजेस का सामना कर रही है. मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में होने वाली तब्दीली, ओवर पॉपुलेशन यानी आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और तीसरी बात जो उन्होंने कही जिससे आज पूरी दुनिया गुजर रही है, एपिडेमिक डिजीजेज यानी वबाई अमराज, मुतअद्दी अमराज, जैसे कि अभी कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस से फैली दुनिया अभी उससे जूझ रही है, लाखों लोगों की उसमें जाने गई है. तो इस किस्म के खतरात का हमारी जमीन को, इस अर्थ को सामना है. वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव एंड हैव नॉट येट डेवलप्ड द एबिलिटी टू एस्केप इट. हमने इस जमीन को बर्बाद करने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, टेक्नोलॉजी को बढ़ा लिया है, लेकिन इस बर्बादी को रोकने का जरिया अभी तक हमारे पास नहीं है, या हम इस काबिल नहीं हुए, हमारे पास एबिलिटी नहीं है कि हम इस डिस्ट्रक्शन को रोक सके. परहैप्स इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स फ्रॉम नाउ वी विल हैव बिल्ट कॉलोनीज अमिड द स्टार्स, बट राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट. वो आगे मजीद कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ सौ सालों में, इन फ्यू हंड्रेड ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से कुछ सौ सालों बाद, हम स्टार्स के दरमियान यानी सितारों के दरमियान कॉलोनीज बसा लेंगे. कॉलोनी मीन्स ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानी बस्तियां, इंसानी आबादी बसा लेंगे, लेकिन अभी फॉर नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट, हमारे पास सिर्फ एक ही प्लैनेट है, एक ही घर है ये जमीन, एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर, हमने एक साथ मिलकर काम करना चाहिए टू प्रोटेक्ट इट, उसकी हिफाजत करने के लिए. प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना, डिफेंड करना. हॉकिंग रोट रिसेंटली इन द गार्डियन न्यूज़पेपर, गार्डियन न्यूज़पेपर इंग्लैंड का मशहूर अखबार है, उसमें हॉकिंग ने अपने एक मकाले के अंदर ये बात लिखी है. और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होता है. इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन द लास्ट न्यूज़ आइटम. टिल देन अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.